मैं अभिषेक आप लोग का स्वागत करता हूँ इस इंदब चैनल पे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और मैंने ये देखा कि इंग्लिश में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत रहती है, बहुत परेशानी रहती है, तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसमें हर बात का सॉल्यूशन हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझाया जाए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप 180 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपकी हालत कुछ इस आदमी की तरह है कि मतलब आपको लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे इंग्लिश में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट देता हूँ नंबर नहीं आते, तो क्या रीज़न है। तो इसके पीछे मैं आपको बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी में आते हैं बुक्स। देखो, आपको पढ़ के विद्वान तो बनना नहीं है। अगर विद्वान हमें बनना होता तो 6 to 12 हमने पढ़ ली, हमारी इंग्लिश माशाल्लाह होनी चाहिए थी मगर हुई नहीं। सो हमारा फोकस मेन ये है कि किस तरीके से हम बेहतर नंबर ले आए, बल्कि ये ना हो कि हमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा सीखनी है, उससे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जिसने सीखी है वो भी उतनी मेहनत करता है, जिसने नहीं सीखी है वो भी उतनी मेहनत करता है, थोड़ा सा 9-10 का फ़र्क हो सकता है। तो आते हैं सबसे पहले बुक्स। बुक्स का तो भैया मार्केट में भंडार है, कौन सी बुक पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें, क्या है क्या नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन जाती है। तो सबसे पहले आते हैं, देखो मार्केट में ये है, इंग्लिश है, ये है, वो है, ये वाली बुक है। देखो, बुक सारी बढ़िया होती है और मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुन लिया है, 36 किताबों को पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब पढ़ी जाए और 36 बार पढ़ी जाए, ठीक है। तो वो ज़्यादा हमारे दिमाग में रिटेन रहती है, क्योंकि हर बातों में हर बार जो बुक आप पढ़ते हैं वो बुक में अप्रॉक्सीमेटली सेम बात होती है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा नरेशन करने का, लिखने का तरीका वो थोड़ा सा अलग होता है। तो भाई, पढ़ूँ कौन सी बुक मुझको ज़रा ये तो बताओ। देखो, पढ़नी आपको बहुत चुनिंदा बुकें हैं, ठीक है। जिन बुकों को पढ़ के आपके मार्क्स आ सकते हैं, आप बेहतर परफॉर्मेंस ला सकते हैं, और ज़्यादा कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें देना चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट में भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देने हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वही देने हैं। अच्छा, एक ट्रेंड है कि भाई कब से देने हैं, कौन कौन से देने हैं, तो प्रीवियस 5 ईयर के उठा लीजिए और उसको आप कम से कम 5-6 बार दीजिए। आपको मैं बताता हूँ कि आप जब नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 75% क्वेश्चन आप वहीं से आएंगे और वो आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बुक है आपके वोकेबुलरी को ठीक करने के लिए, वो PMW है, क्रिस्टोफर सर की है, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में अच्छाई क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, हर चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है, जैसे कि कोई चीज़ आपके दिमाग में रिटेन रह जाती है, कोई नहीं रहती है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, इससे पहले आप ये फ़ोटो देखिए, सार्क। तो सार्क में कितने कंट्रीज़ होते हैं? 8 कंट्रीज़ होते हैं। अब मैं आपको हर रोज़ याद कराऊँ वो 8 कंट्रीज़ के नाम कौन कौन से हैं, उसके जगह मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ, आप एक मनोमिक्स याद कर लीजिए, एक तरीका याद कर लीजिए, MBBS PAIN, ठीक है। सो आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं, देखो भाई इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं। तो देखो, यहाँ से हमें सिंपल सा पता चल रहा है कि बिफोर बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बिफोर भूटान, एज फॉर श्रीलंका, बिफोर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, एंड फॉर इंडिया, एंड फॉर असली बात है म्यांमार। तो ये सारी कंट्रीज जितने भी हमारे आसपास की हैं आराम से इंक्लूड हो गए, बस आपको एक वर्ड याद करना पड़ा, MBBS और पेन। तो इसी को याद करने का तरीका इस बुक में बहुत बेहतर ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, इसमें मिनोमिक्स है, तो आप याद कर सकते हैं। नाउ, व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस? सो हर रोज़ आपको कम से कम 20 वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। सो 20 वोकेबलरी याद करनी है। आप एंटोनियम, सिनोनियम्स, इनके पीछे नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ वोकेबलरी याद कीजिए और 20 ये याद करनी है, 20 वन वर्ड याद करने हैं और 20 ADM phrases याद करने हैं। अच्छा, देखो, ADM phrases और 1 वर्ड अगर आप उन्हें याद भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप उन्हें जितना पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा, और उनका तरीका होता है याद करने का। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने देखो, अभी आप बचपन में याद करते थे, आपको पता होगा जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ मिनोमिक्स, इसे कहते हैं मिनोमिक्स। अब हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, अब क्या करें? अच्छा, अब दूसरी बात ये, अब तेरी बारी है भाई। ये वाली बुक आपने मार्केट में बड़ी प्रचलित है, ठीक है, ट्रेंड में रहती है, तो आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उन पे एक अच्छी खासी चीज़ें, अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप उनमें से प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि हर रोज़ आप कम से कम 50 नए वर्ड्स देख पाएँ इस बुक के अंदर, ठीक है। और उन्हें कंपेरिजन करनी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप एक
स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे इस बुक में बहुत ज़्यादा वर्ड्स आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हर रोज आपको कम से कम 1 आवर इस बुक को पर्टिकुलर देना पड़ेगा, और इस बुक को आपको कंप्लीट करना आपका टारगेट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इस बुक में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। सो रैदर देन रिपीटेड क्वेश्चन पे जाना बुक को कंप्लीट करने से ज़्यादा, ये जितना भी आप करें वो बेहतर तरीके से हो, बहुत बढ़िया ढंग से आपने करी हो। अब आता है थोड़ा ग्रामर सेक्शन की बारी। तो ग्रामर सेक्शन में देखो क्या है कि ये थोड़ा सा लूज पॉइंट होता है, ये मेन दिक्कत क्रिएट कर देता है। देखो ग्रामर आप कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश में बंदे ने एमए करी होती है तो भी वो कहीं ना कहीं फंस जाता है ग्रामर में, एरर कहाँ ढूंढना है कहाँ नहीं ढूंढना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, मार्केट में कोई सी भी बुक उठा, जैसे मैंने 2 बुक उठा ली, एक है मास्टर करके बुक आती है, ठीक है, क्रिस्टोफर साहब की है, गोपाल सर की है, एक इंग्लिश एक्यूमन करके आती है, कोई सी भी बुक उठाइए, हर टॉपिक आपको हर रोज एक ही टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक आज एक टॉपिक कल। अच्छा कोई लंबा टॉपिक है, टेंस एक लंबा टॉपिक है, तो कहोगे सर एक टॉपिक कैसे पढ़े, तो मैं बता देता हूँ, मेरे एक टॉपिक का मतलब यह है कि कोशिश करनी है कि छोटे टॉपिक एक दिन में समाप्त हो जाए, और जो बड़े टॉपिक हैं वो 3-4 दिन लेते हैं, तो कोई डाउट की बात नहीं है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको 2 आवर्स डेली स्टडी करनी पड़ेगी इंग्लिश की। 2 घंटे कैसे पढ़ने हैं, देखो तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, 1 घंटा पढ़ना होता है, 1 घंटा रिवाइज करना होता है, सिंपल सी बात है। रिवाइज का टाइम खत्म नहीं होना चाहिए, भले आप 1 घंटे में 5-10 मिनट आप घूम लिए, कहीं चले गए कहीं आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिवाइज 1 घंटे चाहिए ही चाहिए, ये आपकी मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ये लिखा है मैंने कि हर रोज़ एक टॉपिक आपको पढ़ना है, पहले आप टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, और ना आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, देखिए आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो हर एक के अंदर कम से कम आपको 50-60 रूल मिल जाएंगे, उन रूलों को बार बार पढ़ना है, मेमोराइज नहीं करना है, बिकॉज ना मैं मेमोराइज कर पाया ना आप कर पाए, ठीक है। तो मेमोराइज नहीं करना है, एसएससी डायरेक्ट पूछती है, इसके अंदर कोई यूपीएससी का तिकड़म नहीं लगेगा। तो अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता लग जाएगा, देखो भैया इस पार्ट में एरर है, यहाँ पर हमें ऑप्शन को टिक लगाना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी, कैसे आपको स्टडी करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कोई डाउट कोई क्यूरी रह जाती है स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए और क्या क्या सुधार किया जाए। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोग को कि इंग्लिश से ना परेशान नहीं होना, ठीक है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, और आप लोग क्या करते हैं इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश को सोचते हैं कि हम रट लें, हमसे जो कोई पूछे हम उसको बता दें, दैट्स नॉट लाइक अ मैथ, क्योंकि मैथ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश को हमने इतना सीरियसली लिया नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश रैदर देन जानने से बढ़िया है कि आप इसको थोड़ा बहुत रट लें, जो चीज़ें रट पा रहे हैं रट लो, और जो चीज़ें आप मेमोराइज कर सकते हैं, जो चीज़ें आप समझ सकते हो, जो चीज़ समझने वाली है समझ लेना है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो मार्क्स गेनिंग होते हैं, जैसे आप मेंस का पेपर देने जा रहे होंगे तो उसमें नरेशन बड़े मार्क्स गेनिंग है, तो आप कोशिश कीजिए कि जिन सब्जेक्ट्स में या जिन सेक्शंस में मार्क्स काफ़ी अच्छे से गेन हो सकते हैं, ऐसे मान लीजिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, तो इन टॉपिकों की आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ रूल्स होते हैं, पहले तो आप उनके रूल्स की वीडियोज़ देख लीजिए या कहीं से पढ़ दीजिए किसी भी अच्छी बुक से, और उसके बाद आप उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 75% क्वेश्चन एसएससी में रिपीट होते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपके 180 प्लस मार्क्स मेंस में 100% श्योर है।